इधर सूरभी होटल में, और इधर से अभी हम निकलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टॉप के लिए। बाप रे, बाइक का जो आवाज़, देखते हैं। ओके, सो बाइक चेंज, अपना बाइक तो लाया नहीं मैं, ये रेंट आउट पे ले लिया, क्योंकि अभी मैं पोस्टेड हूँ चेन्नई, तो बाकी का कहानी जाते जाते बताता हूँ। ओके ओके ओके, थोड़ा डायनामिक समझने में टाइम लगेगा, बट बाकी सब बढ़िया है। आगे मैं जा रहा हूँ, पीछे पवन। ओके, हाँ ट्रिप ए को ज़ीरो कर लिया मैंने, सेट को लॉन्ग प्रेस करो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यही है होटल, होटल सुरभि, इधर हम रुके थे, लास्ट टाइम भी इधर ही थे हम लोग, तो इस बार भी इधर ही आ गए, और अभी हम निकलते हैं। पहला स्टॉप सोलांग वैली। जय माता राम, रुका करो वहाँ, रुका करो। तो इधर से लिए थे हम लोगों ने बाइक, BRM Expeditions, और बाइक थोड़ा सा भारी लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, क्योंकि एडवेंचर 390 चला के वो आदत सी हो चुकी है, तो अचानक से ये बाइक क्यों, क्योंकि छुट्टी का प्लान भी अचानक से बना, और अभी मैं पोस्टेड हूँ चेन्नई, चेन्नई से एडवेंचर 390 को ट्रेन में चला के फिर इधर दिल्ली लेके आना, फिर उसको चला के मनाली, बहुत ज़्यादा हैसिल हो जाता, और इसीलिए ही जस्ट 4-5 दिन का प्लान था, तो हमने सोचा कि बाइक रेंट ही कर लेंगे। हिमालयन इज़ नॉट अ बैड बाइक, तो पावर का कमी तो फील हो रहा है, मतलब इधर से ही। एडवेंचर 390 इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ बाइक, बट वो रहा ऊपर फ्रेंडशिप पिक। तो हम आए थे चेन्नई से इधर तक फ्लाइट में, लाइक दिल्ली तक फ्लाइट में, फिर बस लिए हम कश्मीरी गेट से, HRTC का बस, और वो एकदम राइट टाइम पे पहुंचा दिया मनाली। मनाली में एक रात हम ऐसे ही रुके, जस्ट टू एक्लोमेटाइज एंड ऑल, वैसे इसको एक्लोमेटाइज तो नहीं बोला जाता, बट जहाँ से आया वो चेन्नई के, मतलब उस कोने से 35-36 डिग्री से 19 डिग्री तक में आने के बाद थोड़ा तो ठंडी लगती है, तो एक दिन एक्लोमेटाइज का ही सोच लिया। अभी हम जा रहे हैं, आज का टारगेट है चंद्रताल लेक, पहुंचने में टाइम तो लगेगा, गूगल माता दिखाती है कि 4 घंटे में पहुंच जाएंगे, बट 4 घंटे में पहुंचना तो लगभग इम्पॉसिबल है, 111 किलोमीटर, उसमें से भी आधे से ज़्यादा ऑफ रोडिंग है। अब इधर सोलांग वैली 7 किलोमीटर में आएगा, तो हम उधर चाय पियेंगे, कि सुबह से कुछ खाना पीना हुआ नहीं है। नाइस, मज़ा आ गया 2 महीने बाद। सोलांग वैली और इसका हालत ऐसा क्यों है? ये ऐसा कि भाई पूरा खाली खाली सा, और उधर नीचे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, और थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं, चाय का दुकान तो मिल ही जाएगा होपफुली, कुछ तो खुला नहीं है, क्या हो गया? अरे अरे, पीछे देखो पीछे, आ गया मैं आगे, इखन इधर रुक रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं, पूछ लेता हूँ, चाय मिल जाएगी नहीं? अरे नहीं यार, ये तो डिपार्टमेंटल स्टोर निकला, आगे चलो। पूछो पूछो, चाय मिलेगा? पीछे मत आना, चलो होपफुली मिल जाएगा। चाय और ब्रेड ऑमलेट खाए, अभी हमको निकलना है सीधा
अभी जाके रुकेंगे हम बाताल के आसपास, या देखते हैं बीच में कहीं रुकने का सोचे फ़ोटो वोटो के लिए तो रुकेंगे, नहीं तो सीधा ही जाना है। ओके, तो होटल सोलंग हॉलीडे इन के जस्ट ऑपोजिट रुके थे, निकलते हैं। इसको तो अभी ऐसे करके रख दिया, होपफुली ये निकल ना जाए। देखते हैं, चलो लेट्स रोल। ठीक है, पैराग्लाइडिंग स्पॉट पे इधर से होता है पैराग्लाइडिंग। कोई उड़ तो नहीं रहा अभी, चलो कोई ना। अभी तो जाना है बहुत दूर, चलते रहते। नेक्स्ट आएगा अटल टनल, वो पिछले वाले लद्दाख सीरीज में भी हमने दिखाए थे, इस बार भी दिखाएंगे। देखिए और क्या व्यू है इधर से, वो व्यू देखते देखते मैं कहीं और चला जा रहा था। चलो ये फाइनल क्लाइम है अटल टनल का। ओह व्यूज मैन, नेक्स्ट लेवल व्यू। चलो चलते हैं, एक नीचे डाल दे खींचो ना। जाने दो जो जा चुका है, पानी तो कहाँ चुका है, बातें ओ भाई भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ से लेता है भाई। कान में कड़कड़ शुरू हो चुका है, गेन कर रहे हैं हम अल्टीट्यूड। तो ये हम आ चुके हैं अभी अटल टनल के साउथ पोर्टल पे। सो ये है अभी 10,040 फीट पे, और इतना लंबा टनल वर्ल्ड में कहीं नहीं है। सो इट्स इस हाइट पे इतना लंबा टनल कहीं नहीं है। अंदर स्पीड लिमिट है 40 किलोमीटर पर आवर, तो हम 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही चलेंगे, उससे ऊपर तो जाएंगे नहीं। वैसे घुसा भी मैं 50 के आसपास, बट ठीक है चलता है। पूरा टनल खाली हमारे लिए खुला छोड़ दिया है। और ये पवन उड़ते हुए, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। और इधर हम फंस चुके हैं इस बस के पीछे, ये जाने भी नहीं दे रहे, ऐसे ऐसे करके चल रहे। One eternity later. चलो ये हम निकल रहे हैं पोर्टल के बाहर, साउथ पोर्टल के बाहर निकलेंगे हम। रोको मत, निकाल लो, रुकना नहीं, विल गो आउट। हाँ तो ये रहा नॉर्थ पोर्टल अटल टनल का। लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता जाता है ले की तरफ, यही जांच का ले सब लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जाना है हम लोगों को, हम जाएंगे रोहतांग पास की तरफ। रोहतांग पास काजा 144 किलोमीटर, तो एक दिन में हम काजा भी कर सकते हैं, बट हम काजा करेंगे नहीं क्योंकि हम चंद्रताल जाएंगे आज। तो देखते हैं, आज ज़्यादा किलोमीटर्स तो है नहीं, बट रास्ते तगड़े वाले ऑफ रोडिंग वाले रास्ते हैं। रुकना है, निकलना है। सामने का माउंटेन बहुत खूबसूरत दिख रहा है, वो खास करके वो स्नो कैप वाला देख रहे हो पवन भाई। ब्रीवर है इस साइड से, और ये शायद जाएगा
JNK की तरफ, फिर उधर से पाकिस्तान, और रोड इधर से इधर से इधर से दूर तक रोड दिख रहा है। नाइस, फील्स गुड, लक बहुत दिनों बाद, एक 2 महीने बाद वापस इसी रास्ते पे, मतलब इस जैसे रास्ते पे मज़ा आ गया। वैसे तो एक नंबर नज़ारे चुके कोक्सर, अभी नहीं रुकने का, आगे बढ़ते रहने का, पेट अभी भरा हुआ है, रास्ते अभी भी बाकी है। बहुत लोग जा रहे हैं स्पीति तक, कोई दिक्कत नहीं है, बाइक उठाने के लिए लोग तो मिल ही। हाँ नहीं नहीं एंट्री है क्या? कहाँ जाओगे? चंद्रताल। गाड़ी का नंबर भी नहीं, तो 58 है, 4720, देख देख के बताना। हाँ जी सर, हाँ दिल्ली, हाँ ओहो प्रियजन को हो गया, चलते चलो 10:07। नहीं भगवान भरोसे, वाटरफॉल बहुत सुंदर दिख रही इधर से। चंद्रताल जाने देंगे, रोहतांग के लिए तो परमिट लगता है। जाना है 61 किलोमीटर, कुंजुम तो जाएंगे नहीं अभी, आज कल ही जाएंगे कुंजुम, और काजा 129 या 126 था, देखा नहीं ठीक से। तो ये रहा पॉइंट, हाँ ये रहा पॉइंट, घुमा लूँगा मैं, पीछे वाला था मिस कर गया, ये वाला है। चलो ठीक है, ओके इजी, नो इश्यूज, ठीक है आ जाओ। अरे यार रेत बहुत ज़्यादा है, खड़े होकर पेल दू गया, किसी को नहीं। ये वाला था क्या? ऐसे जाने में तो बड़ से लग जाएंगे। ट्रक के लिए वेट कर लेते, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रहे हैं, बंद कर लेता हूँ। हाँ हाँ यही जाते हैं, चलो ओहो देख के आना, कट कुटा के आना, ठीक है लाइन फॉलो करो टायर्स के, वो दबे हुए रहेंगे।
खड़े होके चला लेता हूँ। चल देखते हैं, इजी है, इजी इजी इजी, खड़े होके निकाल लो बस बिंदास। ओह कीचड़, ठीक है हो जाएगा। देख के कीचड़, चलो इजी पीस ऑफ केक। 10:27 हुआ है अभी टाइम, तो बर्फ़ पिघलना चालू हो चुका है। ओ भाई भाई, ओ खिल रहा है, लेकिन इस रोड पे ख़त्म ख़त्म, गाड़ी का सस्पेंशन ख़त्म हो जाएगा। बस दिखते दिखते मैं उधर घुस ना जाऊँ। ओह शिट, गया गया, जूता गया, ख़त्म। ओह हाँ भीग गया, बहुत ठंड लग रहा है अभी तो। अरे तुम्हारा वाला वाटरप्रूफ है, मेरा वाला तो नहीं है, थोड़ा सा भी पानी जाए ना। गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। जल रहा है, चुभ रहा है यार। एकदम रोड पूरा टूटा बूटा, एकदम कुछ नहीं बचा इस रोड का, फिर भी ये लोग थोड़ा बहुत बचाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या हो पाएगा, जब तक गवर्नमेंट इधर ब्लैक टॉप नहीं डालते तब तक तो कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ऐसे करके तो नहीं चलेगा ना, ज़्यादा दिन, कितना दिन, कुछ दिनों में बह जाएगा वो। ओ भाई साहब, कहाँ तक रोड जा रहा है वो उस तरफ। ओ मस्त साला बैंकर वाला जिंदगी जी रहा था मैं उधर, मुँह उठा के आ गया, हड्डी बस ली एक करने। ओह ये भाई क्या है ये, चलते चलते चलते, और कितना चलना है भगवान जाने। वो भाई भाई साहब, क्या है ये, क्यों है ये, मजा आ गया। अभी भी हम ब्रेक का सोच रहे, कहाँ ब्रेक लेंगे, उधर है क्या वो छोटा छोटा सेटलमेंट्स दिख रहे हैं, शायद उधर जाके हमको ब्रेक लेने को मिलेगा। यस अभी बस चलते चलो, वी आर द फास्टेस्ट इन दिस रूट ऑब्वियसली, बाकी सब के सब स्लो ही जा रहे हैं, मतलब गाड़ी एंड ऑल। तो भाई ये बहुत ज़्यादा धूल उड़ा रहे हैं, वही पास दे दे भगवान, फॉर गॉड सेक पास दे दे भाई, इतना धूल नहीं झेल सकता, प्लीज दे दे, प्लीज प्लीज, मेरी जान, मेरी जान प्लीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई इधर सन्यास लेके बैठा हुआ है क्या, इनसे पूछता हूँ इनका सन्यास लेने का कारण। फॉरवर्ड पूछ लो उससे, हाँ स्टार्टर किट देखते, स्टार्टर किट है आपके पास, स्टार्टर किट, स्पार्क प्लग, हिमालयन को बैटरी लेकर जाता है तो क्या कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे करते हैं।
गया ये बाइक। बैटरी पूरा नहीं है क्या? इंडिकेटर ऑफ। बैटरी है मतलब कनेक्टेड है बस। नहीं पूरा। इसको धक्का देके कहाँ से स्टार्ट करेगा? उल्टा से मैं लेके आया हूँ। नहीं उल्टा धक्का देके स्टार्ट किया। हाँ वहाँ से रोल करके ले आया हूँ। हाँ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, मुझे लगता है दूसरी बैटरी चाहिए। फ्यूल है? नहीं नहीं वो ऑफ करो। स्टार्टर किट है आपके पास? वो प्लग वाला यू हैव दैट जंपर प्लग? कर नहीं पाए बाइक के, कुछ अलग ही प्रॉब्लम है। स्पार्क प्लग खोल के चेक किए, रिले चेक किए, कुछ नहीं हो पाया हमसे। अब देखते आगे तक चलते हैं। अभी स्टॉप समवेयर। इसको ही केम फ्रॉम चेन्नई टू दिल्ली देन वी बोथ नो फ्रॉम फ्लाइट दीस आर रेंटल्स फ्रॉम मनाली। दिस इज वासुदेव टेंपल नियर वासुदेव टेंपल। अरे वशिष्ठ टेंपल। वशिष्ठ वशिष्ठ ओके चलो चलते खुदा खुदा के। उधर रुकेंगे दो मिनट। छत्रु है वहाँ। कौन सा वाला ब्रिज? ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर नीचे कौन सा? अच्छा वो पुराना ब्रिज है, बंद कर दिया होगा ये वाला। वेलकम्स यू टू छत्रु 3200 मीटर। नाइस। ओह रुकना है। काजा मनाली कुल्लू का बस। हाँ छत्रु पॉपुलेशन 120। नहीं रुकते चलो चल लेते। पूरा प्लेन पहाड़ है एकदम। इधर से तो चढ़ भी नहीं सकते कोई। वो रॉक क्लाइंबिंग वाला सीन हो जाएगा तो भी शायद ग्रिप व्रिप नहीं मिलेगा, इतना प्लेन है ये। हाँ मैं जैसे वो भगाता हूँ वैसा ही। बट इसको भगाना ठीक नहीं लग रहा है मेरे को, क्योंकि इसका ब्रेकिंग उतना खास नहीं लग रहा है। बाकी सब ठीक है यार, इट्स डूइंग गुड। हाँ इसका सीट सही है, मेरे सीट से अच्छा है। मतलब एडवेंचर 390 का सीट से हिमालयन का सीट फार बेटर। नहीं तो अब तक मेरा दुख चुका होता बहुत जगह। हाँ वो स्ट्रेट पैच बट बहुत गंदा पैच। चिकना ही लग रहा है, उड़ रहा हूँ मैं ऊपर ऊपर, कूद रहा है बाइक।
देख के आना, ठीक है? फिसल रहा है, टंट पे वो बजरी डाल के रखे हैं। मेरे लिए तो ठीक है, मेरे को मज़ा आता है, पीछे वाला थोड़ा थोड़ा सड़काने में, तुम सड़क जाओगे तो फिर उठाने में फट जाएगी। क्या हो गया? ओह नदी सही दिख रहा है, कई एक नदी, अगर नदी पास आया ना कहीं रुकते हैं। हाँ, नेचुरल से एनवायरनमेंट में रुकना ही बेटर है। सुंदर जगह इधर, देखो रास्ता खराब है बट व्यू सही है यार पास वाला। पीछे आएगा देख के, नहीं 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 कोई ज़रूरत नहीं है ये सब में, बहुत बड़ा बोल्डर पड़ा हुआ है। काजा 112, ये क्या है पता नहीं, 35 किलोमीटर है। ओह रोड बहुत ख़राब है, और ये KTM नहीं है ना तो वो, हाँ इसीलिए अभी भी बैठा हूँ। तो अभी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पता नहीं और कितना क्या देखना पड़ेगा। तो फिंगर क्रॉस्ड वाला सीन हो चुका है। ओह भाई भाई भाई, अब तो ये सीधा नीचे जा रहा है देख के, ठीक है। स्टीप डिक्लाइन है, थोड़ा धीमे आओ पवन भाई। हो गया, इसका फॉल्स न्यूट्रल बार बार प्रॉब्लम कर रहा है, पूरा रास्ता ऐसा ही है, मतलब क्या बताए, नरक बना के रखा है। आ जाओ फोन भाई, आ जाओ, चलो चलते। ओ ये बटर बटर, अमूल बटर। ओए अब तो केक थोड़ा अलग सा दिख रहा है, हाँ लग रहा है, ये तो बड़ा धारा बन चुका है। मुझे पूरा गीला हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता, 10 बार गीला हो रहा है, 10 बार सूख रहा है। खड़े होके निकाल लूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है पैर नीचे डालने का, बट गीला हो चुका है। इजी इजी, पूरा होल बॉडी मसाज हो रहा है इधर। सो फार सो गुड, पूरे रास्ते में सिर्फ हम दोनों ही चल रहे हैं, और आगे कभी कभी आ जाते एक दो बाइकर, एक दो गाड़ी आते हैं, वरना पूरा रास्ता खाली सा। माउंटेंस बहुत सुंदर दिख रहे हैं ऊपर, ये वाले को छोड़ के पीछे वाले, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं। ये कौन रुक गया, इसको भी क्या हो गया, इसका भी बाइक वाइक टूट गया क्या? कहाँ था काजा का चंद्रताल? चंद्रताल से। ओके, हैव एनी आईडिया व्हेदर दिस बाइक हैज गॉट रिजर्व
Pattern? FI. No reserve. No reserve, no? No. Only when it gets heated up, then only it stops, I guess. It stopped all of a sudden, don't know why. Oops. But it started again after I removed. Oh, maybe that's because of the heat. Yeah. It's all good now. Cause, Chandratal only. Oh, nice. Where are you from? Hyderabad. And oh. You guys? I stay in Chennai. Chennai. Yeah. Basically from West Bengal. Okay. So I work over there. Okay. Nice. This is from Delhi. Hi, bro. Nice meeting you, bro. Okay. Okay. Yeah. वेलकम टू नरक. जब हम सोच रहे कि इससे बुरा क्या हो सकता है, लाइव गिव्स यू दिस. ये क्या बना रहे हैं ये लोग? हो सकता है रेस्टोरेंट जैसा कुछ बनाए. छोटा धारा विलेज. ओके, 3400 मीटर्स पे है छोटा धारा विलेज. और हम आगे बढ़ते हुए, हाँ, एक्सपल्स रैली किट लेके उड़ाते हुए जा रहे हैं. देख के नरक तो ख़त्म नहीं होने वाला, ये बोल्डर्स भी ख़त्म नहीं हो रहे, और भगवान जाने ये चाचा चाची का धावा कब आएगा. थोड़ा बहुत भूख भी लग रहा है अभी, बट जाए. कुमलिंगला भी इतना किया जैसा नहीं था. यप. ओहो, जो मस्त सा व्यू और गंदा सा रोड. हाँ. बहुत सुंदर दिख रहा है. हाँ, ये दो पहाड़ों के बीच में देखो काट के ये लोगों ने बनाया ये रोड. मस्त सा है. के नीचे से नाइस क्लिफ हैंगर तो सही था. ये शायद स्पीति रिवर ही है जो नीचे से आ रहा है ना. यस, फिर हाँ स्पीति तक चलेगा शायद. ज्योग्राफी हमारी बहुत ज़्यादा कच्ची है. बस ऊपर से कुछ ना गिरे. ऊपर से गिरा तो हम भी दुनिया से उठ जाएंगे. नाइस, पूरा नदी क्या दिख रहा है नदी. अरे चल ही नहीं पा रहे, धीरे चलिए प्लीज. इससे अच्छा व्यू इधर मिलेगा ही नहीं. मतलब बहुत सही व्यू. अरे ऊपर का ग्लेशियर देखो यार, मस्त. वीडियो बन रहा है, चलो चलो. हाँ, 5 किलोमीटर है, उसके बाद ही रोक लेंगे. जो सुंदर व्यू है यार. पुआ से पीछे कौन सा लेक था? पुआ से आगे लेक था ना एक, सोकर. हाँ, सोकर लेक. हाँ, सोकर था वो. मस्त फोटो है वो पुआ. तो फोटो कहाँ मिलेगा? इंस्टाग्राम पे देख लेना. हाँ, दोनों के इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, और दोनों के इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. वो एक नंबर रास्ता, एक नंबर नहीं व्यू, एक नंबर.
रास्ता तो नरक से भी खराब है। हाँ ठीक है यार, यही करने के लिए तो आए थे। मज़ा आ रहा है, मज़ा। हाँ हाँ ले होता, उड़ाते उड़ाते जाते निकल लेते फिर। हाँ हाँ हानले का रोड जो है ना, वो ललचाता है कि इंसान उड़ाए मज़ा ले, और वो मज़ा सजा बन जाता है। क्योंकि देखो तुम मेरठ से लेके जो हानले का ना वो कौन सा ब्रिज है ना, लोमावेंट, वहाँ तक तो पूरा टूटा फूटा रोड ही नहीं है, रेत। तो लोग क्या करते हैं, धीमे धीमे आते हैं, फिर उसके बाद उसको दिखता है वो हानले वाला पैच, वो तो पागल हो जाता है, जन्नत देख लेता है उधर ही रोड पे। अब जन्नत में हाँ अफसरों के चक्कर में आके फिर डाल दो अंदर जो तुमने किया है एक बार। तो मिनी जांच कार्ड में पवन भाई आपका और बाकी ऑडियंस का स्वागत है। कभी जांच कार्ड अगर लगे कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इधर आ जाओ मज़ा आ जाएगा। या तो इसको जांच कार्ड का ट्रेनिंग हब या ट्रेनिंग क्लासेस कुछ भी बना लो, बस आ जाओ। लग रहा है वो है बाताल, अब देखते हैं, कोई गारंटी नहीं है। वो डोमिनर वेस्ट बंगाल, अरे भाई लोग पूछ लेता दादा कोथा देखे, नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं देखा, डब्ल्यू भी सिर्फ देखा, उसके बाद अगर नंबर देख लेता तो पता चल जाता कहाँ कहाँ गाड़ी है। हो जाता जान पहचान वाला ही निकला, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये हो गया, हम आ गए बाताल। तो हम कहीं पे इधर रोकेंगे, चाची चाची का ढाबा शायद आगे पे उधर रोक लेंगे। ये रहा बाताल, हाँ वो रहा चाचा चाची का ढाबा, उधर रोक लेंगे। ये रहा बाताल, ओहो नाइस, आगे चलो आगे चलो। अरे हीरो HF डिलक्स, सही है यार, लोग तो आ रहे हैं। और आगे चलो, कोने पे डालते हैं कहीं, तो कहाँ डालूँगा, रोक नाइस Vistrom SX, बहन के लिए यही सोच रहा था, दिस वन फॉर माय सिस्टर। आओ कहाँ कहाँ नंबर प्लेट है, अरे डब्ल्यू बी घोड़े गाड़ी, दिस वन, अरे पूरा डब्ल्यू बी। और इधर पे बहुत सारे बंगाली मिल गए थे आसपास के, वी हैड ए ग्रेट कॉन्वर्सेशन ओवर हियर। तो इधर का जो स्पेशलिटी था राजमा चावल, वही खाए, एंड टी, एंड विल बी मूविंग अहेड। ओके सी यू, ओके से हैप्पी जर्नी, জানি না কতটা কি শোনা যাচ্ছে। ওকে দাদা হ্যাপি জয়নি দাদা। तो अभी हम निकल चुके हैं इधर चाचा चाची के ढाबा से, और हम चलेंगे अभी नेक्स्ट स्टॉप चंद्रताल लेक। वेट, उधर एक प्रॉब्लम अभी सुनने को आ रहा है कि टेंट्स सब बंद हो रहे हैं, 4 तारीख पैकअप बोल दिया है, गवर्नमेंट से ऑर्डर आ चुका है। तो भगवान जाने हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप मूविंग, बस मिल जाए और क्या। ओहो बवंडर भी आ रहे हैं, अभी हवा चल रहा है तेज़ बाहर, तो ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि अंदर वार्मर लेयर डाल के चला रहे तो थोड़ा बहुत गर्मी लग रहा है।
जितना एक्सपेक्ट किया था ठंड होगा उतना तो ठंड अभी है नहीं, शायद रात को हो जाए बट अभी के लिए तो नहीं है। रोड तो ऐसा ही है, तब से ऐसा ही चल रहा है, भगवान जाने कब तक ख़त्म होगा। रोड्स बहुत ज़्यादा सड़की हो चुकी है अभी, मतलब इतना छोटा हो चुका है कि ठीक से पास भी नहीं दे पाएंगे अगर एक ट्रक व्रक आ गए तो। इधर एक बोर्ड है, क्या लिखा है ये, क्या लिखा है, काजा घूम के चंद्रताल ओ तेरी, ओके ये तो कांड हो गया। सीधा ही चंद्रताल होगा ना, हाँ सीधा ही चंद्रताल होगा, हाँ हाँ यही है यही है चंद्रताल जाने का। ये कि बोर्ड वोर्ड गिर गया क्या इधर, वो भाई भाई देख क्या ना, चलो कोई ना हो जाएगा। Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Pavan upar, yaar, wo dekho, kahan tak chadna hai? थोड़ा गैप रख के चल रहा हूँ, ठीक है। भाई 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 चढ़ाई अच्छा खासा है, नेक्स्ट लेवल है, पूरा मिनी जांसकार है ये, क्या दिख रहा है मस्त सा, वो आगे तक रास्ता है, मस्त दिख रहा है इधर से यार, जन्नत और नरक वाला रोड। यस एट लास्ट वी आर हियर इन जन्नत, चलो हो जाएगा इजी इजी बेबी इजी। हाँ हाँ इजी 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 ये रुक जा रुक जा, थोड़ा सा आगे जाके रुको, वो बाइकर वाले कहाँ है देख लेते हैं एंड देन विल पुट दैट बाइक्स ओवर देयर। रुको तो ये रहा कैंप साइट कुछ ऐसा, और आगे से ट्रैक होता है, ये राइट हैंड साइड से ट्रैक होगा। तो हम पहुंच चुके थे चंद्रताल के कैंपसाइट पर, जल्दी जल्दी हम बाइक्स पार्क करने के बाद लगेज अनलोड करके रेडी हो गए 2 किलोमीटर के हाइक करने के लिए। कैंपसाइट के 2-3 किलोमीटर बाद एक पार्किंग स्पॉट आता है, उधर से ही हाइक चालू होता है। प्रॉपर ट्रेल से बना हुआ है तो उधर किसी का गुम हो जाने का कोई टेंशन नहीं। पहाड़ों के बीच से ये ट्रेल बहुत ही खूबसूरत है, 14,000 फीट के ऊपर हाइक या ट्रैक करने में सांस तो थोड़ा फूलता ही है, मगर उसके बाद जो व्यू मिलता है दैट्स कम्प्लीटली वर्थ द एफर्ट।